स्वर और व्यंजन मिलाकर हमने वर्णमाला लिखना सीख लिया है। अभी हम अक्षरमाला पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अ अनार, अनार यानी कि कन्नड़ में हम दाड़िंबे, इन इंग्लिश वर्ड वी कॉल्ड पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट, ठीक है, टीई। उसके बाद आ, आ आम, आ आम, आम मीन्स क्या है यहाँ पे, आम मीन्स माविन हण्णु, माऊ, कन्नड़ में माऊ कहते हैं और इंग्लिश में हम मैंगो, ठीक है। अभी आ के बाद कौन सा अक्षर आता है, ई, ई इमली, इमली, इमली यानी के इमली यानी हुणसे, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟಮರಿನ್, ಟಿ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಟಮರಿನ್ ಆಯ್ತ ಇವಾಗ ಈ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇ ಬಡಿ ಇ ಇ ಇ ಈಕ್ ಇ ಈಕ್ ಯಾನಿ ಕಿ एक यानी कि कन्नड़ में खबू, इन इंग्लिश शुगर कैन, सी एन सी ए एन ई शुगर कैन, ई ई होने के बाद ऊ, ऊ उल्लू, उल्लू, उल्लू यानी कि क्या है, गूगे, कन्नड़ में गूगे, और इंग्लिश में आओ, ओ डब्ल्यू एल, ऊ, ऊ, ऊन, ऊन यानी कि ऊन यानी कि कन्नड़ में हम कहते हैं उलन, उलन, इन इंग्लिश वी कॉल ऊल। अभी क्या है अगला अक्षर, री, री ऋषि, री ऋषि, 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 इन इंग्लिश सेंट,
ए ए एडी एडी यानी कि पाद, कन्नड़ में हम कहते हैं पाद, इंग्लिश वी कॉल फीट, एफ डबल ई टी फीट। ठीक है, ये हो गया ए एडी तक। इसके आगे जो है हम लिखेंगे ए एन ए एनक। एनक मतलब क्या है? एनक मतलब क्या है? कन्नड़क, कन्नड़ली कन्नड़क अथवा चश्मा कूड़ अंत करीती कन्नड़क। इन इंग्लिश फॉर बी कॉल्ड हाँ आगे उसी तरह ही ए एनक होने के बाद ओ ओ ओखली अथवा ओखल, ओखली भी कहते हैं, ओखल भी कहते हैं। ओखल भी कहते हैं कन्नड़ली ओखली अथवा खलबत्ते। खलबत्ते खलबत्ते इन इंग्लिश वी कॉल्ड पेस्टल पेस्टल PESTLE pestle ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ತರಹನೇ out ಔರತ್ ಔರತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔರತ್ ಏನಕ್ಕೆ महिले, कन्नड़ में हम कहते हैं महिले। इन इंग्लिश वर्ड वी कॉल्ड वुमन, डब्ल्यू ओ एम एन वुमन। ठीक है, अंगूर यानी कि क्या है? द्राक्षे, कन्नड़ में हम द्राक्षे कहते हैं द्राक्षे। इन इंग्लिश वी कॉल्ड ग्रेप्स, जी आर ए पी एस ग्रेप्स, G-R-A-P-E-S, grapes. Okay? Aha. अभी जो आपने लिखा ओ से लेकर आम आहा तक आपको क्या करना है, इसको आपको देखकर दो बार लिखना है होमवर्क बुक में, और बिना देके करेक्ट अपने क्लास वर्क में लिखना है बिना गलती किए। इसीलिए आपको क्या करना है, दो बार अपने होमवर्क बुक में लिखना है और एक बार अपने क्लास वर्क में लिखना है। ಎರಡ ಸರಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸರಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಬೇಕು।
ತಪ್ಪ ಮಾಡದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗಲೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಯೋದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು किसी भी समय आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते क्लास वर्क को। कब जब मैं कहूँगी कि इस वक्त आपको ये क्लास वर्क में लिखना है तभी आप अपने क्लास वर्क में लिखोगे, तब तक के लिए आप अपने क्लास वर्क में कुछ भी नहीं करोगे। अभी जहाँ तक बोला गया है कि ये कितने बार अपने क्लास वर्क में लिखना है और कितने बार अपने होमवर्क में लिखना है, तो ये ध्यान में रखकर अपने होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।